नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी जिले के बहोरीबंद पटना ग्राम व आसपास के ग्रामीणों के किसान ने अपने खर्चे में ग्राम खराब पड़े ट्रांसफार्मर को देखते हुए जबलपुर से ट्रैक्टर में ट्रांसफार्मर लोड कर फूल माला के साथ कटनी के बहोरीबंद लेकर पहुंचे, जहां छोटे छोटे बच्चों व ग्रामीणों ने शाम को ट्रांसफार्मर की आरती पूजन किया। वहीं ग्रामीणों ने बहोरीबंद के एमपीईबी विभाग व विधायक का खासा आक्रोश भी व्यक्त किया। कटनी जिले के बहोरीबंद के आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि कटनी जिले में बिजली विभाग की मनमानी और लापरवाही के चलते ग्रामीणों को बिजली की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेत और गांव में लगे घटिया ट्रांसफार्मर आए दिन खराब हो जाते हैं, जिससे किसान फसलों को पानी नहीं लगा पाते और उनकी खड़ी फसलें सूखकर बर्बाद हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण ट्रांसफार्मर लगाने खुद ही मशक्कत कर रहे हैं। जिले के बहोरीबंद तहसील क्षेत्र के ग्राम पटना ग्राम व आसपास के ग्रामीणों में देखने को मिला, जहां बिजली की समस्या से परेशान किसान स्वयं ही ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर अपनी फसलों को बचाने में जुटे हैं। विद्युत विभाग द्वारा घटिया ट्रांसफार्मर लगाए जाने और कोई सुनवाई न होने से यहां के किसान भाजपा की सरकार व क्षेत्रीय विधायक से भी नाराज दिखाए और जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आज ग्राम सिहुड़ी में नया ट्रांसफार्मर आ चुका है, जिसमें कि पूजा अर्चना की गई हमारे छोटे छोटे बच्चों द्वारा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सदा ही चलता रहे, कोई भी इसमें गड़बड़ी न हो। किसान अपने जेब का पैसा लगा के सभी गांव के किसानों ने अपने चंदे से 30-35 हज़ार रुपये का चंदे इकट्ठा करके इसको रिपेयरिंग करवा के लाए हुए हैं, जिसमें कि बच्चों के अंदर बहुत सा हर उल्लास है। ये पूजा माला अर्पण कर इसे समस्या ये है कि हमारी धान तो पहले सूख गई, अब थोड़ा बहुत गेहूं की फसल आने वाली थी, वो भी ट्रांसफार्मर 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। ट्रांसफार्मर लेने जबलपुर जाना पड़ता है, अपने खर्चे से ट्रांसफार्मर लाओ, आयल अपने खर्चे से डालो, विभाग कुछ करने को तैयार ही नहीं है। मतलब पूरी साल में हम लोग 12 ट्रांसफार्मर ला चुके, ले जा चुके, वापस लाना ले जाना यही कर रहे हैं। इसके पहले एक ट्रांसफार्मर बिजली विभाग ने उतरवाया था, हमारा लगा ट्रांसफार्मर हमारे खेत से उतार के उनने उठा के एक पर्सनल शादी में रख दिया, वो ट्रांसफार्मर जला, उसके बाद से आज तक हम लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत विधायक से, सांसद से, मंत्री से, जिलाध्यक्ष से, A to Z विभाग से लेके 181 हर चीज़ में कर चुकी, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। हर आए दिन 12 घंटा में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर जल जाता है। और हम कमलेश तिवारी, क्या समस्या है आपकी? भैया ये हमारी ये ट्रांसफार्मर जलने से धान भी सूख गई और गेहूं की फसल भी जा रही है, और पिछले समय से जैसा भैया ने बताया कि ट्रांसफार्मर जो चल रहा था वो एक पर्सनल शादी में उठा के रख दिया, और वो ट्रांसफार्मर फिर जाके वहीं रखा, वो ख़राब हो गया। उस समय से 12 ट्रांसफार्मर हो गए, और हम लोग जबलपुर से लाते हैं, अपने खर्चे से लाते हैं, ऑयल का भी एक खर्चा हमको देना पड़ता है। इस पे 35 कनेक्शन भी है, उस पे कनेक्शन 35 की है, 40 ऐसा कुछ कनेक्शन है। पहले इस ट्रांसफार्मर में 12 कनेक्शन थे, अब शासन ने कनेक्शन तो दे दिया, ट्रांसफार्मर बढ़ाए नहीं आज तक। विधायक जी द्वारा 1.5 करोड़ के यहाँ ट्रांसफार्मर रख गए हैं बौरीबंद क्षेत्र में जी, उसमें क्या है? जी हमारे यहाँ नहीं रख गए, एक भी ट्रांसफार्मर नहीं रख गया विधायक जी की यहाँ तरफ से। उसकी शिकायत आपने विधायक जी से बताया अपनी समस्या? जी कई बार बताया, सब लोगों से बताया, मंत्रियों से बताया, जिलाध्यक्ष से बताया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका दादा? जी उम्मीद से पटेल। हमसे 40 कनेक्शन विभाग ने दिया है, और ट्रांसफार्मर कृषि में पटना के अंदर एक ही है। हमारी भूल कमल का फूल।